बात मैंने क्या की थी और क्या, बल्कि आप उसका क्लिप भी काट के लगाएं। मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंग बंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें, तो वो हुआ। आप भी उसमें इंकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका, जो अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है, क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजन, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर के, ये स्टेटमेंट दी भी है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई दो कंट्रीज के, यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। अच्छा साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था, तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने बहला के उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाए और उन्हें मनाए, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। ये हो सकता है। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेके। लेकिन ये चीज वाकई जो आबिद भाई ने बात की है कि हम मतलब फलस्तीन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की की बात कर लें उनके हेड ऑफ स्टेट, ईरान की बात कर लें जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है, जी हम इसराइल के अगेंस्ट जंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, एक दफा भी कोई यहाँ से फलस्तीन में गया, वहां पे जाके कोई स्पीच की हो, उनके साथ खड़े हो। और ये छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए, मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है। उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा, किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपके साथ तजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की पांचवीं बड़ी इकोनॉमी है, वो आज आप तजारत नहीं करें किसी और से कर लेंगे। ठीक है, तो उधर जाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जिसे हम सुपर पावर मानती है ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, सबके साथ दोस्ती है। देखे दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, तजारत करना चाहते हैं, उनके साथ आगे चलना चाहते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क से होके आए उसका नाम बताएं मुझे आप। अभी पोलैंड से होके आए, पोलैंड और उधर से सीधा यूक्रेन। पोलैंड की हिस्ट्री का आपको पता है कि इंडिया के साथ क्या ज्वाइंट है, वर्ल्ड वॉर के लेवल की ये पोलैंड जो है ना इंडिया के साथ ज्वाइंट है इनके मामले, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से 45 साल बाद या 40 साल बाद कोई वजीर आजम पोलैंड गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक और कंट्री में गए थे, उधर भी 40 साल बाद कोई वजीर आजम गया था। ये इजाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है क्योंकि वो पूरी दुनिया से दूरी नहीं नजदीकी बढ़ा रहे हैं जिन मुल्कों में हिंदुस्तान। लेकिन आबिद भाई, फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल नेबर कंट्री है, इधर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, मतलब जो पाकिस्तानी है कि यार ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जाके ये करेंगे, उधर इसके अलावा पोलैंड में गए हैं वहां पे पीस की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में गए हैं पीस की बात कर रहे हैं, ये नेबर में पाकिस्तान है। तो भाई पाकिस्तान भी आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो नवाज शरीफ की फैमिली की शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आए, वो इधर भी आए थे। वो दुनिया में हर मुल्क में जाना चाहते हैं, हर किसी के साथ तल्लक बेहतर करना चाहते हैं। अब आगे से आपको रिस्पॉन्स तल्लक बेहतर करने वाला ना मिले तो वो आपकी गलती है।
जैसे यूक्रेन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मना रहे हैं अपने मुल्क के फायदे करवाने के लिए। इस तरह पाकिस्तान भी बड़ा कुछ कर सकता था, सिर्फ हम कश्मीर को लेके बैठ के सर समझे, अपनी ट्रेड बंद की, अपने लोगों को नुकसान दिया। अब ट्रेड बंद होने से क्या होता है, मुल्क में महंगाई आती है और उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रेड बंद करके, वो तो दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम रुसवा हुए, हम लोग नीचे आए। मैंने आप जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे कि हमने सब्जी मंडी में भी जाके इंटरव्यू किया, वहाँ के जो बिजनेसमैन है, जहाँ के जो फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनसे पूछा कि भाई इंडिया से ट्रेड बंद हुई है फायदा हुआ या नुकसान, उन्होंने बोला नुकसान हुआ। गारमेंट्स के अगर हम मार्केट की बात करें, यहाँ पे भी आप किसी से पूछ लें वो कहेंगे नुकसान हुआ। अगर इसके अलावा हम किसी भी फील्ड में बात करें वो यही कह रहे हैं कि हाँ भाई, जब इवन मेडिसिन की अगर बात करें, जितनी जानों का नुकसान हुआ है इंडिया से ट्रेड बंद करके या रिलेशन खराब करके, हमारी सोच नहीं है, यहाँ से लोग वहाँ पे जाते थे ट्रीटमेंट करवाने। हम तालिबान की बात करते हैं कि तालिबान हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारी फोर्सेस पे हमले करते हैं, हम तालिबान को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे, टीडीपी जो भी दहशतगर्द पाकिस्तान में आता है, हम उसकी बात करते हैं कि हमारे पे हमले हो रहे हैं। देखे चाइनीज इधर मारे जाते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर इधर हमले होते हैं, पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं, और ये तो बड़े लेवल की बातें आ गई भाई साहब। अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है, कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नंबर वन फोर्सेस हो आप, पाकिस्तान के नंबर वन अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है हमारी, पाकिस्तान की टॉप की फौज है जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर वन है हम लोग, और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द है और आपको पता ही नहीं है यार, और वो हर साल दो बार तीन बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं, और भाई कहाँ गए हमारे दारे, इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके बीच में कोई बड़े लेवल के हाथ हैं, आप समझे चोई साहब कि इतना बड़ा काम हो रहा है और किसी को पता ही नहीं है। वैसे हम तालिबान को पकड़ने की बातें कर रहे हैं, पहले इन्हें पकड़ो, ये कच्चे के जो डाकू है, 4 डाकू 6 डाकू 20 डाकू आपके ऊपर ऐसे मुसल्लत हो गए हैं कि जैसे मर्जी आपको लूट ले, बर्बाद कर दे, और इस मुल्क में समझ ही किसी को नहीं आ रही। बाकी बहुत शर्म वाली बात, मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि पुलिस फोर्सेस की अगर बात करें, 22 के करीब पुलिस के जवान थे जिनके ऊपर अटैक हुआ और जिसमें से 12-13 लोगों की जाने गई हैं। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, उन्हें शायद कच्चे के डाकुओं का इतना आइडिया ना हो, ये एक छोटा सा ग्रुप है, मतलब 10-20-30-40-50 डाकू जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, और वो लोग जो उनके एरिया में जाता है, कोई भी जाता है, उसे किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। हमारी फोर्सेस अभी तक नाकाम नजर आई, ऑपरेशन स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है, फिर खबर आती है कि आज फिर एक कच्चे के डाकू ने एक इंसान को उठा लिया, आज इसे उठा लिया। ये बड़ी हैरत वाली बात है भाई यार, कच्चे के डाकुओं को जानते हैं जी? जी बिल्कुल। क्या क्या समझते हैं यार, हम कहते हैं कि नंबर वन है, सब कुछ है, लेकिन ये कच्चे के डाकुओं को ही नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे। कच्चे के डाकू के पीछे बड़े बंदे के हाथ है, कच्चे के डाकू के पीछे पक्के के डाकू है, पक्के के डाकू है, समझ लेना, तो उन्हें पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। अगर वो कंट्रोल नहीं कर देगा तो बड़े दावे क्यों करते हैं कि सरकार कंट्रोल कर देगी, सरकार के ऊपर हमला कहते हैं, ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। आबिद भाई देखें, आम पाकिस्तानी भी ये कह रहा है कि भाई हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, जब आपके ऊपर हाथ किसी बड़े का होगा तो आपको छेड़ेगा भी नहीं कोई, तंग भी कोई नहीं करेगा। चोर साहब ये तो चीजें आ गई एक साइड पे, सबसे पहले तकलीफ होती है अपने मुल्क को देख के हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, महंगाई आसमानों को छू रही है, गरीब बंदा मरने के बात कर रहा है, परेशान है गरीब आदमी, बिजली के बिल इतने बड़े आ रहे हैं। दूसरी बात ये देखें आप, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा था कि वो पूरी दुनिया के साथ अपने तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं, क्या हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये किसी मुल्क में जाके अपनी ट्रेड या अपनी इज्जत नहीं बना सकते? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के वजीर आजम जब किसी कंट्री में जाते हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम की तलाशियां हुई, उनके कपड़े उतरवा दिए गए। आज पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में गैर मुल्की खतून आई हुई थी, वजीर थी, हाँ, जी बिल्कुल, उनके बारे में आप बताएं कि क्या हुआ कि उनकी तलाशी की बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम आपका वॉलेट जो है ना वो चेक करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो अपनी तलाशी नहीं देनी, ये मेरी पर्सनल चीज है, अगर आपने तलाशी लेनी है तो मैं वापिस जा रही हूँ, वो वजीर आजम हाउस से वापिस चली गई, उन्हें फिर बुलाया गया। आप देखे कि गैरतमंद इसे कहते हैं, ये गैरत होती है? हमारे वजीर आजम जाके कपड़े उतार दे और वो अपना वॉलेट तक ना चेक करवाए तो गैरत किसे कहते हैं? गैरत बनानी पड़ती है, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है सर। और ये चीज अगर किसी को खबर नहीं पता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं उन्हें चेकिंग के नाम पे अपने कपड़े तक उतारने पड़ते हैं, जबकि किसी और कंट्री के अगर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर आते हैं तो वो कहते हैं भाई हम अपना बैग चेक नहीं करवाएंगे। भाई जान इधर आए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
बस ठीक ही है। ठीक है, मुझे ये बताएं पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे, क्या वजह है? पहले वो अपने खजाने भरने से उन्हें फुर्सत नहीं है, तो फिर वो और क्या किसी से बात करें। ठीक है, पहले उन वो बड़े मसरूफ हैं। अच्छा, हमारे जो सियासतदान हैं बड़े भाई सीधी बात है मसरूफ है। मैंने अभी 14 अगस्त को मैंने एक बड़ा धुआंधार इंटरव्यू दिया है कि खुदाया जितनी आपने सरकारी आराइशों पे जितने रुपए आपने खर्च कर दिए हैं ना 14 अगस्त के ऊपर, जी गवर्नर हाउस को सजाया गया, माल रोड को सजा दिया गया, नहर को सजा दिया गया, पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारात के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगे हैं सरकारी उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा है, तेरे ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या खर्च हो रहा है? वैसे तो जिधर इतने लोग खड़े हैं मैं ये समझता हूँ कि भाई ये तो खूबसूरती है, अगर हम पाकिस्तान को सजाते हैं पाकिस्तान का वो खूबसूरती एक दिन के लिए है। हाँ, वो सारी चीजें किराए की थी जो उतार ली गई है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि ये हर साल हम एक दिन बस एक और मैंने उधर मैसेज दिया है, मैंने बोला है मरियम नवाज शरीफ साहिबा मैं अवान टाउन से 4 बच्चे और 1 40 साला बीवी को लेकर पैदल आया हूँ सेलिब्रेट करने यौमे पाकिस्तान को, आपके हल्का अहबाब के लोग मेरे हिसाब से 1 साल में भी 5 कदम नहीं चलते होंगे। ठीक है, और मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ पैदल। ये पाकिस्तान की मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान की दुखी अवाम है, बिलों से तंग है, महंगाई से परेशान है, ये लोग ये अपने सरों को पीट रहे हैं कि हम लोग कर क्या लिए, हमने क्या हो गया। देखिए सर, हमारे कसूर ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो IMF से कर्जा लेती है, उसकी किस्तें हम लोग उतारते हैं टैक्स दे के, क्योंकि टैक्स तो हम लोगों ने देने हैं। और दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में जो मुल्क की अवाम टैक्स देती है ना उस टैक्स का रिटर्न होता है। रिटर्न किस शक्ल में होता है? सड़कों की शक्ल में, आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, सस्ती तालीम दी जाए या फ्री तालीम दी जाए, अच्छे हॉस्पिटल दिए जाए। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है भाई की तड़प, बिल्कुल ठीक है कि करोड़ों रुपया लगा दिया आपने बिल्डिंगें सजाने में, आम आदमी के लिए क्या सोचा? नो डाउट के पाकिस्तान का जश्न मनाना चाहिए, 14 अगस्त बड़े तरीके से और बहुत अच्छा मनाना चाहिए, लेकिन गरीब मुल्क के हिसाब से भी ये भी देखना चाहिए कि हम गरीब मुल्क है, हम लोग कर्जों में फंसे हुए हैं। आमद हो गई है, क्या आमद हुई है? आमद ये हुई है कि भाई आप सभी से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो आपके मोहल्ले में, आप मार्केट में किसी ऐसे जगह पर जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया कायदे आजम के वफ्द में जितने भी लोग शामिल थे, क्या 14 अगस्त को किसी के नाम पे भी किसी को भी खराज अकीदत पेश किया गया? कोई सेमिनार करवाया गया, तकरीरें करवाई गई हो, बताया गया हो नई जनरेशन को कि मोबाइल देखने के लिए पाकिस्तान नहीं बना? यार वक्त आपका बच्चा मोबाइल देखता रहे, अब ये देखे ना ये जिनसे हम अलग हुए थे, जिनसे हम अलग हो गए जश्न मना रहे हैं आज, वो किधर चले गए हैं? आप ये देखे कि वो आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट है हमारे और आखिर में मुझे जल्दी है मैं जाने हाँ। वाला हूँ। पाकिस्तान कायम है उसकी वजह ये है क्या कि अल्लाह ऊपर है जी। जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। अच्छा। मैंने इन सियासतदानों इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है और ये कायम रहेगा, वरना इनकी कोई आते नहीं है कि पाकिस्तान कायम रह जाए। बताएं पाकिस्तान इस्लाम का किला है तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला है, एटॉमिक पावर भी है, हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? मेरा इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है, मैनेजमेंट बहुत कम मजबूत है इसके अंदर, तो मेरा मैसेज है डरता नहीं हूँ मैं, अल्लाह से डरता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं पहले भी बयान देता हूँ। देखो भाई, अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने फलस्तीन के अंदर जब से जुल्म हो रहा है, आप बता दो कोई एक ट्वीट आया हो, आप मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोई जंग पे दिया हो कि फलस्तीन बाज आ जाओ, फलस्तीन कैसे फलस्तीन क्या नाम है उनका, इसराइल, सॉरी फॉर दैट, कि इसराइल तू बाज आ जा, नहीं मजा फिर है ना, आदम से भी भूल हुई। मुझे ये बताएं, मैं आगे हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन में जाके खड़े हो ना, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी यूक्रेन में जाके खड़े हैं, यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, हम यही बात करते फलस्तीन जाते तो भाई उनका अगर जज्बा उनको कहे तो वो जाए, मैंने पहले कहा है उनको भाई फुर्सत नहीं है। अच्छा,
मैं ये नहीं कहता डरते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर कोई बयान ना आए हमारी हुकूमत की तरफ से, अगर कोई भी ऐसा काम ना किया जाए तो फिर हम यही कहेंगे कि यार ये भूले हुए हैं भाई। जज्बे का मतलब है डॉलर। पाकिस्तान ने हमेशा जज्बा दिखाया डॉलर के साथ। अच्छा आप देखें अफगानिस्तान की जंग थी अमेरिका के साथ, ठीक है, हमारी तो वो जंग नहीं थी, हमने उस जंग में जज्बा दिखाया, अपने फौजी मरवाए, अपना पैसा जाया किया। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, हमें इमदाद मिलेगी, अमेरिका हमसे खुश रहेगा, हमारे बड़े का हाथ हमारे सर पे रहेगा। उस हाथ के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद किया, आईएमएफ के कर्जों में हम लोग फंसे उस बड़े के हाथ की वजह से। उस हाथ से बचते बचते आज चाइना के हाथ में फंस गए हम लोग, आज चाइना के कर्जे ही हुए हुए हैं भाईजान। चाइना जिस मुल्क में, आप श्रीलंका को देखिए, कि उधर इतने कर्जे दिए, इतने कर्जे किए कि श्रीलंका सारा ब्लैक हो गया, आज उसकी जमीन पे कब्जा है चाइना का। और ये टाइम पाकिस्तान, अब देखे ना पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, अभी सुनने को आ रहा है 120 या 100 इंडस्ट्रियां बंद हो गई, तो वो पाकिस्तान में चाइना ही घुसेगा ना, मेड इन चाइना फिर इन हो जाएगा पाकिस्तान में, हर चीज चाइना भी इन है, और ज्यादा इन हो जाएगा। अभी पाकिस्तान ने पीछे कोशिश की थी अपनी प्रोडक्ट बनाने की, लेकिन अब वो फिर कोशिश सारी नाकाम हो गई। तो हिंदुस्तान ने जब मेड इन इंडिया के ऊपर काम किया वो रुका नहीं, वो तो पोलैंड में जाके भी यही कह रहे हैं कि हम मेड इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड बनाएंगे, वो तो ये वो पूरी दुनिया में ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि देखें पाकिस्तान के लोगों की भी इसमें बड़ी बड़ी गलती है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, सच का सामना करने की जरूरत है। जज्बाती होके नारे लगा देंगे, मतलब वो उससे तो कोई काम नहीं चलेगा। देखे जी आप 100 बार के पाकिस्तान जिंदाबाद, हम भी कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, फिर लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से क्या पाकिस्तान का भला हो सकता है? ठीक है, तो फिर तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहते, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के बजाय पाकिस्तान को जिंदा रखो, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे काम करो कि पाकिस्तान जिंदा रहे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो कि पूरी दुनिया में उसकी इज्जत हो, लोग उसे जाने, उसके साथ ट्रेड करें, काम कारोबार करना चाहिए, पाकिस्तान की प्रोडक्ट बाहर जानी चाहिए। सर हमारी कितनी को प्रोडक्ट बाहर जा रही है, हमारी तो इंडस्ट्रियां बंद हो गई है इधर। हाँ हमारी बाहर जा रही है चीजें, हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां जा रही है दूसरे मुल्कों में, सर ये हो रहा है पाकिस्तान। ठीक है ठीक है, स्टूडेंट्स जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा आप, अच्छा आपको मौका मिले, पाकिस्तान से तो मोहब्बत करते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मौका मिले सच बताना बाहर जाने का, जाएंगे या नहीं सच बताना? अगर मुझे मौका मिले तो मैं सऊदी अरब जाऊंगा। अच्छा इसके अलावा मैं पाकिस्तान को छोड़कर कहीं नहीं, सऊदी अरब जाएंगे लेकिन पाकिस्तान मैं वापस आऊंगा, हज करने जाएंगे। मैं उमरे की सादत, अल्लाह अगर मुझे मौका दे तो मैं उमरे की सादत के लिए सऊदी अरब जा सकता हूँ। वैसे पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री, वापस आ जाएंगे। अच्छा पाकिस्तान बेस्ट, नो डाउट, एज ए पाकिस्तानी मुझे भी ये कहना चाहिए, लेकिन हकीकत पसंदी भाई मुझे ये बता दे क्या नहीं है, हमारे मुल्क जरखेज है, ठीक है, इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है, लोग जहीन हैं, लेकिन फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तू मैं नहीं बैठे बड़ी कुर्सी पे। अच्छा एक आम आदमी को बिठा दे कुर्सी पे, ठीक है, उसे कहे भाई तू वजीर आजम है एक माह के लिए, फिर देखते हैं कि कैसे उसका जज्बा होता है इन जैसों से जो अरसे। एजुकेशन क्या है आपकी? आज एजुकेशन क्या है मेरी? हाँ मैं तो हजार बार बता चुका हूँ मैं बीए पास हूँ, लेकिन आप इलेक्शन 43 वर्ष का हो गया हूँ। आप देखिए ना बीए पास हैं, इलेक्शन आप लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़े बने प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन लड़े। हाँ भाई इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, यही बात मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ 700 रुपया में। इलेक्शन वो लड़े जिनके पास जितने लगाए उससे 14 गुना ज्यादा आगे, उन्होंने लड़ना है इलेक्शन। हाँ एक ऐसा है, जब ईरान में इंकलाब आया था ना, अच्छा, तो उसको किसी कोई रोक नहीं सका था, ठीक है, इंकलाब आया था हमारे मुल्क में। हाँ। और दोबारा भी आएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले ठीक हो गया। अच्छा हाफिज भाई मुझे ये बताएं, जो इन्होंने बात की अपनी जगह ठीक की है, जज्बाती बात, और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा पाकिस्तानी इस तरीके से ज़हनी तौर पे जरा डिप्रेस या परेशान हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताएं इंडियन प्राइम मिनिस्टर जैसा लीडर पाकिस्तान में आ सकता है, या हम में से कोई ऐसा बन सकता है कि यार अपने कंट्री को आगे लेके चले? देखे सर इसके लिए तो ये होता है कि पाकिस्तान में तो मौका मिलता नहीं है, कोई भी सच बोलने वाला हो, अच्छा इंसान हो, उसे कभी मौका नहीं मिलता। जिन लोगों ने गैरतमंद बनने की कोशिश की उनको या तो फांसियां दे दी गई, या वो प्लेन में क्रैश हो गए, या अमेरिका ने जेलों में बंद करवा दिया। तो इस पाकिस्तान में तो कभी भी अच्छा इंसान ऊपर आ सकता ही नहीं है। तो हमारी तो आवाज उठाने की कोशिश करें तो चैनल हमारा डाउन कर दिया जाता है, यानी कि इतना अगर डर गए हैं पाकिस्तान की जो इंतजामिया या गवर्नमेंट है कि अगर सच बोलने पे यूट्यूब चैनल को रोक दिया जाएगा, उसके ऊपर फायरवॉल के थ्रू जो उनसे सारी व्यूअरशिप रोक दी जाएगी। ऑडियंस बड़ी समझदार है, ये ऑडियंस को चाहिए कि आपके फायरवॉल को वो तोड़े, आपकी वीडियो को इतना देखे कि जो लोग आप पे बंदिश लगा रहे हैं ना, पाबंदियां लगा रहे हैं,
वो खुद परेशान हो जाएंगे यार ये हो क्या रहा है कि वो लोग, हम तो इन पे लगाते हैं पाबंदी, लेकिन ऑडियंस का साथ कितना बड़ा है कि वो फिर भी इनकी वीडियो देखते हैं और ये फिर लाखों में चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फायरवॉल के बावजूद, इंटरनेट की सर्विस बिल्कुल फ्लॉप होने के बावजूद, हमें और बहुत सी जगह पे परेशान करने के बावजूद भी जो देखने वाले जिस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, शायद इसी वजह से। मैं जरा अपने चैनल के बारे में बता, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस से बात करना चाहूंगा। ह्यूमैनिटी फर्स्ट मैंने चैनल शुरू किया है चौधरी शुएब के भाई के साथ मिलके, हम लोग उस पर बड़ा वर्क कर रहे हैं, बड़ी हिस्ट्री पे बात करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। शुएब चौधरी के भाई भी हमारे साथ हैं, तो आपको भी चाहिए कि हमारी वीडियो को देखे, आप लोग हमारे साथ होंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। नहीं आबिद भाई, वैसे मैं बात करूं, बड़ा मेरे ख्याल से जो आपका चैनल चल रहा है बहुत बेहतरीन ग्रो कर रहा है। आपको आइडिया नहीं, आपने हमेशा यानी रियल एंटरटेनमेंट टीवी पे वीडियो रिकॉर्ड किया, तो आपको नहीं आइडिया कि भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई साल लगे रहे तो फिर जाके कुछ व्यूज आते हैं। तो आपने तो स्टार्ट किया एक माह या दो माह हुए हैं तो आपके तो चैनल मोनिटाइज भी हो गया, व्यूअरशिप भी आपकी 30-40 हज़ार तो डेली देखते हैं। नहीं तो मैं भी चाहता हूँ ना कि शुएब चौधरी की तरह मुझे भी लाखों लोग देखे मेरे चैनल पे, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग वर्क बड़ा कर रहे हैं चौधरी साहब, उसके ऊपर आपके भाई जो मेहनत कर रहे हैं ना, पूरी हिस्ट्री खोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हिस्ट्री हम लोग उसके ऊपर सुनाते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आपको क्या मसला है मुझे ये बताएं, मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज हमारी वीडियो को देखा करें, उसे लाइक किया करें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे आए और हमें सब्सक्राइब करें प्लीज। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, आप एक दफा जरूर विजिट करें ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो आबिद भाई का चैनल है, वहाँ पे जाके देखें। मेरे ख्याल से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और इन डिटेल कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर इन डिटेल आबिद भाई हैं, आदिल भाई हैं, वो दोनों इन डिटेल उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, आपको एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस टाइम सूरत हाल है ना, हर बंदा परेशान है, हर बंदा कन्फ्यूज है, किसी को ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं हम लोग ये टॉपिक करते हैं ना, जाके बाजार में पूछते हैं कि जी बात करेंगे, वो कहते हैं लेकिन चोई साहब मुंह के ऊपर तारीफ करने का मजा नहीं आता। जिस तरह YouTube पे फाइट आपने की है ना, और जिस तरह आप खड़े हुए YouTube को लेके, इतनी पाबंदियां, इतनी परेशानियां, इतने दुश्मन सरों के ऊपर, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, इस चीज की दाद मैं आपको देना चाहूंगा कि आज भी वैसे ही खड़े हुए, सीना तान के खड़े हुए, कोई डर नहीं है, जो मर्जी हो जाए कर ले जो करना है, मैंने तो सच की बात करनी है, तो चौधरी इसके ऊपर दाद तुझे हमेशा दूंगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बहुत जबरदस्त, मुझे आज बहुत अच्छा लगा आबिद भाई ने जिस तरीके से डिस्कशन की है, जो और पाकिस्तान के जो पब्लिक है, जो यूथ है, जो इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हुई है, इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रशिया की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसमें एज ए पीस मेकर इंडिया रोल अदा कर सकता है या करेगा, या जल्द ये वार रुकेगी, और साथ ही साथ आने वाले टाइम में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये भी आने वाले टाइम में इंडिया ही सॉल्व करवाएगा, या कोई ऐसा कंट्री है जो ये सॉल्व करवा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।